मैडम नहीं, कल भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस करते वक्त अंदर से सरजी भी तो क्या बकवास कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में, मैं हूं आसिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है, जोर तोड़ के साथ ही सारे समीकरण बिठाए जा रहे हैं। बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इन सब के बीच मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नॉनसेंस थिंकर लाल बुझक्कर। क्यों जी लाल बुझक्कर जी, नॉनसेंस थिंकर बोला मैंने आपको, बुरा तो नहीं माना ना आपने? चुनाव का टेम है मैडम, बड़ा बड़ा लोग अभी कोई बात का बुरा नहीं मानता तो हम काहे मानेंगे है? हम भी तो बड़े हैं। आप तो बहुत बड़े वाले हैं। का मैडम? आप ही का डायलॉग बोलूंगी, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। क्या समझे लाल बुझक्कर जी? आए मैडम, हमरे स्टाइल में हम ही को बढ़िया है। अच्छा चलिए, ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं, पंजाब चुनाव की बात कीजिए आप। ओए मैडम, पंजाब चुनाव तो फुल टू मनोरंजन है, जहां वादा है दावा है बड़ा बड़ा सपना है, सिर्फ पता नहीं चल रहा मैडम कौन पराया और कौन अपना है। अरे ये तो शेर हो गया मैडम, ठोको ताली। क्या बकवास कर रहे हैं? ओए गुरु, मछली पानी बिना बह नहीं सकता और लाल बुझक्कड़ बकवास किए बगैर रह नहीं सकता, ठोको ताली। बकवास बंद कीजिए नहीं तो उठाकर फेंक दूंगी बाहर। मैडम मन तो हमरे पार्टी वाले सब का भी यही कर रहा है, बस चुनाव का टेम है यही से हमको बर्दाश्त कर रहा है, समझ गई तो ठीक नहीं तो ठोको ताली। हनाप शनाप बिना मतलब की घटिया शायरी आप बंद कीजिए। मैडम इतना बर्दाश्त कर ली है ना, तो एक और बर्दाश्त कर लीजिए ना, केकरो दिल के मुराद है। चलिए बोलिए। ओए गुरु, कौनो और कुर्सी हड़प न ले, पाजी उसके लिए तरस रहे, ठोको ताली मैडम। क्या ठोको ताली किए हुए हैं आप? मैडम जे भी बोलिए ना, ये ठोको ताली जो है ना, पाजी को टीवीओं में हिट कराया और राजनीति में भी उनका रंग जमाया। एक बात और है मैडम, हमको लगता है ना कि पाजी के मीटिंग सब में ना मच्छर सब नहीं जाता होगा। क्यों नहीं जाता होगा? पाजी इतना बार कहते रहते हैं ठोको ताली, सोचिए बेचारा सब कहीं बीच में आ गया तो पूरा जेनरेशन चटनी बन जाएगा। हमको लगता है ना मैडम, सर जी को उनको दिल्ली लेकर चल जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी पार्टी में है, केजरीवाल भला उनको दिल्ली लेकर क्यों जाएंगे? बोली तो आप ठीक हैं कि सर जी उनको दिल्ली लेके काहे जाएंगे, काहे कि यहाँ तो सर जी का मन खुद पंजाब आवे के लिए लुसफुसाया हुआ है। ये अलग बात है कि बेचारे दिल की बात जुबा पर ला नहीं सकते, यह से भगवंत मान जी का नाम लावे पड़ा है। वैसे मैडम हम यह से बोले ना कि पाजी को दिल्ली ले जाने के लिए, काहे कि वहाँ डेंगू चिकनगुनिया ये सब बहुत होता है ना। तो भला सिद्धू क्या करेंगे? बस ठोको ताली, डेंगू चिकनगुनिया का काम तमाम। फालतू की बातें आप बंद कीजिए, विषय पर रहिए। अरविंद केजरीवाल ने सारे अटकलों पर विराम लगाते हुए भगवंत मान को अपनी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। हाँ मैडम, टीविया पर देखे हम। बहुत भावुक हो गए थे भगवंत मान, देखा आपने? ये भी देखे हम मैडम, आंख के आंसू पोंछ रहे थे मान साहब। मैडम एक बात पूछे हैं। पूछिए। इस सर जी के पार्टी में सब लोग रोता इतना काहे है? कौन रोता है? देखी नहीं का सीएम कैंडिडेट घोषित होवे के बाद मान जी का आंसू निकला, पत्रकार टर्न नेता टर्न पत्रकार आशुतोष जी तो जोर जोर से रोए लगे थे। एको कविवर भी है मैडम, जे अभी जहां भी कविता पढ़ने जाते हैं ना, वहां वहां अपना अवसर जी का किस्सा सुना के दिल से रोते हैं। मैडम नहीं, कल भगवंत मान साहब का नाम अनाउंस करते वक्त अंदर से सरजी भी तो क्या बकवास कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भला क्यों रोएंगे, उन्होंने ही तो भगवंत मान के नाम की घोषणा की है। अगर सरजी नहीं रोए हैं ना, तब तो ही भगवंत मान जी के लिए और चिंता का बात हो सकता है मैडम। कहीं पार्टी के जीतला बाद भगवंत मान जी के फेर से ना आंसू बहावे पड़े।
वो क्यों भला? सर जी की याददाश्त के कारण मैडम, वो का है ना, सर जी को काम इतना रहता है कि कई बेर सर जी भुला जाते हैं कि बोले का थे। याद है ना सर जी 2014 में का बोले थे? सर जी बोले थे कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, वो का कसम उसम भी खा लिए थे, पर सरकार बनावे टाइम ना भुला गए, ले लिए समर्थन। बड़ा घर बड़ा गाड़ी भी नहीं चाहिए था, लेकिन काम के लोड में ना मैडम यो भुला गया। याद है ना मैडम? हाँ याद है। सॉरी टू से मैडम, आप नेता नहीं बन पाइएगा। अब ये क्या बात हुई, क्यों नहीं बन पाऊंगी? कहे कि आपका याददाश्त ठीक है। वैसे मैडम मान साहब को ना हमारा एगो सजेशन होगा। अच्छा, क्या सलाह देंगे आप? बस इतने मैडम ना कि सर जी जे बोले हैं ना कि भगवंत मान होंगे हमारी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, उसको टेप रिकॉर्डर में टेप करके रोज नियम से दिन में 8 बार सर जी को सुनाते रहे ताकि सर जी भूले नहीं। बाकी जे है से तो है ये है मैडम, क्या बुझी? आपकी फालतू बातों को कोई बूझा है जो मैं बूझूंगी? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि पंजाब में चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और न्यूज बायोस्कोप की नजर पंजाब चुनाव पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मुझे और लाल बुझाकर को दे इजाजत। नमस्कार।